अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 6 शातिर ठगों को किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर ठगों से ईमेल, बैंक की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और अकाउंट डिटेल मिली है, जिसमें वह अलग अलग लोगों को अपने जाल में फंसाते और उनका पैसा अन्य लोगों के खाते में डलवाते। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ में जुटी है। किशनगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश सामरिया ने बताया कि 10 नवंबर 2021 को जॉन्सगंज निवासी धनंजय ने शिकायत दर्ज कराई कि अखबार में विज्ञप्ति देखकर वह मिराज मॉल स्थित ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में नौकरी का इंटरव्यू देने गए, जहां लोगों ने उन्हें नौकरी पर रखने का झांसा देते हुए उनके बैंक में खाता खुलाने के लिए उन्हें नौकरी नहीं दी और वह खाता लगातार चालू था। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने मामले में गहनता से जांच की तो सामने आया कि बदमाशों द्वारा गलत तरीके से अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अलवर निवासी कुलदीप और जितेंद्र को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ करने के बाद भरतपुर निवासी सरफराज व यूसुफ को और वकील हरियाणा निवासी मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया गया है। मामले में पूछताछ की तो सामने आया कि आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया पर गलत नंबर से अकाउंट बनाकर अलग अलग अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों, आम जनता को अश्लील वीडियो दिखाते और उसकी रिकॉर्डिंग करते और उसे वापस उनको भेजकर ब्लैकमेल किया जा रहा था और इसी ब्लैकमेल के जरिए ऑनलाइन रकम भी लोगों से ऐठी जा रही थी, जिसके पैसे बेरोजगार युवाओं के खातों में डलवा कर मजे लिए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अनुसंधान शुरू किया है और इस मामले में अन्य आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों से मिली बैंक डिटेल, ईमेल आईडी और सोशल आईडी के साथ ही पर्सनल डिटेल को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश में जुटी है। जानकारी के अनुसार आरोपियों द्वारा कई लोगों को साथ में लेकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की आशंका है। पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेगी, उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। क्या देखिए, अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठगी करने वाली व सेक्सटॉर्शन करने वाली गैंग है, जिनके 6 साथी ठगे उनको गिरफ्तार करने में पुलिस थाना किशनगंज द्वारा सफलता प्राप्त की। इनके द्वारा लगातार ऑल इंडिया लेवल पर सेक्सटॉर्शन के वीडियो से ठगी की जा रही थी, इसके अलावा ऑनलाइन ठगी की जा रही थी। इन्होंने अजमेर में अपना एक ऑफिस खोला था मिराज मॉल में, यादव एंटरप्राइजेस के नाम से, और उस पर जो बेरोजगार युवक थे उनको नौकरी का झांसा दिया और उनको कहा कि आपको नौकरी लगा देंगे, आपके स्पेयर पार्ट्स का हमारे पास काम है, आपको केवल सुपरविजन करना है, 10,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। इस चीज़ को लेकर बेरोजगार युवा आए और अपने जो डिटेल्स थी वो उनको दे दी। डिटेल्स देने के बाद इन्होंने HDFC बैंक और ICICI बैंक में वो खाते खुलवा लिए। खाते खुलने के पश्चात उन्होंने 1 महीने तक इन ठगों ने उन अकाउंट्स को अपने पास रख लिया। उन अकाउंट्स में जो देश भर के अंदर फ्रॉड्स होते थे, सेक्सटॉर्शन के थ्रू जो ये फ्रॉड करते थे, उनका पैसा इन अकाउंट्स में जाता था, ताकि पुलिस कहीं जाए, पुलिस पकड़ने जाए तो इन खाताधारकों तक पहुंचे, हम तक नहीं पहुंचे। इस तरीके का इन्होंने पूरा प्लान और एक तरीके की पूरी गैंग ऑपरेट कर रखी थी। मूलतः ये जो है वो मेव इलाके के रहने वाले हैं और इनमें मुख्य रूप से जो हमने गिरफ्तार किए उनमें कुलदीप यादव है जो कि कोटकासिम का है, जितेंद्र यादव है जो कि अलवर का है, सरफराज है जो दुंदावल नगर का है, मोहम्मद आसिफ नू मेवात का है, वकील मेव जो है वो गोपालगढ़ का है, और यूसुफ है जो कि पहाड़ी थाने का है। इस तरीके से इन्होंने एक अपनी गैंग बना रखी है। इन्होंने 3 बाकायदा सिस्टमाइज पूरी गैंग है, 3 व्यक्ति ऐसे नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देते हैं। आगे इस किट को ये लेके जाते थे और अलवर में अपने सहयोगियों को देते थे, वो सहयोगी इसको भरतपुर में ले जाके देते थे और इनका जो गिरोह का सरगना था उसको राहिल के पास ले जा करके ये वो उन किटों को देते थे ताकि वो ATM से पैसे विड्रॉ कर सके। देश भर में फ्रॉड होंगे सेक्सटॉर्शन के नाम पर या ऑनलाइन फ्रॉड के नाम पर, इन्हीं अकाउंट्स में पैसा आता था, पैसों ATM के थ्रू तुरंत निकाल लिया जाता था। पुलिस की द्वारा जब इनकी तहकीकात की जाती है तो फर्जी सिम निकलती है और फर्जी अकाउंट निकलते हैं। आज इसको पकड़ने में हमने सफलता प्राप्त की। दुनिया भर के इनके फेक मेल आईडी बना रखे हैं इन्होंने, इंस्टाग्राम बना रखे हैं, मोबाइल नंबर फिक्स बना रखे हैं। इस पूरी कार्रवाई में हमारे किशनगंज की टीम द्वारा कार्रवाई की, इसमें मोइनुद्दीन जी हैं ASI, किशोर कुमार हेड कांस्टेबल है, और सुमेर और राजेश, इस तरह से हमारी टीम द्वारा कार्रवाई की गई।